दोस्तों, आज से सैकड़ों साल पहले जब लोग रामायण महाभारत की कहानियों में उड़ने वाले विमानों के बारे में सुनते थे तो यही सोचते थे कि क्या हम भी कभी आसमान में उड़ सकते हैं। उस दौर में आसमान की सैर लोगों के लिए केवल एक सपना ही थी और ऐसा लगता है कि अमेरिका में जन्मे राइट ब्रदर उसके मन में भी कुछ इसी तरह के ख्याल आए होंगे, जिनके परिणाम स्वरूप हवाई जहाज का आविष्कार हुआ। हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले राइट ब्रदर बचपन से ही कल्पनाशील थे और अपनी कल्पनाओं की उड़ान में उन्होंने हवाई जहाज बनाने का सपना देखना शुरू कर दिया था। आज से लगभग 118 साल पहले 17 दिसंबर 1930 के दिन राइट ब्रदर्स के नाम से जाने जाने वाले ऑर्वेल और बिल बर ने उत्तरी कैरोलिना में राइट फ्लाइट नामक विमान से औपचारिक तौर पर इतिहास की पहली सफल उड़ान भरी थी। विमान 120 फीट की ऊंचाई पर 12 सेकंड तक उड़ा था, लेकिन धीरे धीरे इस आविष्कार को इतना प्रोत्साहन मिला कि आज आसमान में अनगिनत हवाई जहाज उड़ रहे हैं। आपको बता दें कि लोगों को हवाई यात्रा कराने वाले जहाजों को तैयार करने में करोड़ों रुपए की लागत लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक एवरेज पैसेंजर एयरप्लेन को बनाने में लगभग 3.5 करोड़ से 5.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इतनी रकम सुनकर आपको लग रहा होगा कि प्लेन में ऐसा कौन सा मटेरियल लगा होता है जो कि करोड़ों का खर्चा आ जाता है। तो आपको बता दें कि प्लेन को यूं ही बना देना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसके डिजाइनिंग से लेकर बनने के बाद उसकी टेस्टिंग करने में भी काफी खर्चा आ जाता है। और आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि हवाई जहाज की टेस्टिंग कैसे की जाती है ताकि आसमान में हर तरफ की मुसीबतों को पार करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाए। ऐसे तो हवाई जहाज की यात्रा सबसे सुरक्षित मानी जाती है, यहाँ तक कि पैदल चलने में भी आपको जितना खतरा होता है उतना खतरा भी हवाई जहाज की यात्रा में नहीं होता। लेकिन फिर भी अक्सर देखा गया है कि लोग प्लेन में यात्रा करने से काफी डरते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर रोड में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो बचने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। लेकिन अगर हवाई जहाज में यात्रा के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाती है तो बचने के बिल्कुल भी चांस नहीं रहते। हालांकि पहले के मुकाबले विमानों को डिजाइन करते हुए सबसे ज्यादा ध्यान सेफ्टी पर रखा जाता है और पूरी कोशिश की जाती है कि अतीत में जो भी गलतियां हो चुकी है दोबारा ना हो पाए। इसलिए प्लेन बनने के बाद उसकी हर तरह से कई बार टेस्टिंग भी की जाती है। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि जब हवाई जहाज आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है तो वहां हर जगह का मौसम अलग अलग तरह का होता है, कहीं बारिश तो कहीं पर बर्फ तो कहीं बहुत ज्यादा गर्मी। और अगर इन अलग अलग तरह के बदलते मौसमों को प्लेन से ला पाया तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसके लिए प्लेन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी प्लेन के इंजन की टेस्टिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। इसके लिए इंजन की वाटर टेस्टिंग की जाती है क्योंकि बारिश के दौरान इंजन के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी चला जाता है। ऐसी सिचुएशन को देखने के लिए इंजन में लगभग 800 गैलन पानी डाला जाता है। ऐसा ये देखने के लिए किया जाता है कि उड़ते समय प्लेन भारी बारिश को झेल पाएगा या नहीं। इंजन की दूसरी टेस्टिंग बर्फीले मौसम के लिए की जाती है। इसके लिए इंजन में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को फेंका जाता है और अगर फिर भी इंजन सही ढंग से काम करता रहा तो मतलब ही बर्फीले तूफान को भी आसानी से झेलते हुए आसमान में उड़ सकता है। और साथ ही ये भी देखा जाता है कि बर्फीले तूफान को झेलने के बाद प्लेन का इंजन कितनी देर में सामान्य हो पाता है। अब जिस टेस्टिंग के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में तो आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, आसमान में प्लेन के अलावा कई तरह के छोटे बड़े पक्षी भी उड़ा करते हैं, तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कोई पक्षी प्लेन की प्रोपेलर्स में आकर फंस जाए। और पहले कई बार ऐसा भी हो चुका है और ऐसा होने पर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है। तो इस तरह की स्थिति से बचने के लिए और इंजन की टेस्टिंग करने के लिए इंजन के मैन्युफैक्चरर्स इंजन में मरे हुए पक्षियों को जानबूझकर फेंकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि प्लेन के विंडशील्ड को इंजन में काफी दूर से और काफी स्पीड से मरे हुए बड़े बड़े पक्षियों को फेंक कर देखा जाता है कि प्लेन का इंजन बर्ड स्ट्राइक जैसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है कि नहीं। क्योंकि एक बार प्लेन में इंजन में पक्षियों के फंसने के कारण हडसन नदी में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। वह तो शुक्र है कि इसमें किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं है और सभी यात्रियों सहित प्लेन सही सलामत बच गया। अब बात करते हैं प्लेन की और मेजर टेस्टिंग के बारे में।
ये टेस्टिंग इंजन के ब्लेड और बॉडी के पार्ट्स की होती है, क्योंकि इंजन का ब्लेड की डिजाइन मुख्य पार्ट है जो 3000 रिवॉल्यूशन पर मिनट के हिसाब से घूमकर प्लेन को हवा में उड़ाते हैं। क्योंकि अगर ब्लेड ठीक से काम नहीं करेगा तो प्लेन हवा में नहीं उड़ सकता, इसलिए प्लेन का सबसे वैल्यूएबल पार्ट है और प्लेन में इनका ठीक तरह से फिट होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उड़ते समय प्लेन के ब्लेड निकल कर बाहर आ गए तो बर्ड स्ट्राइकिंग से भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी, और ऐसी खतरनाक सिचुएशन कभी ना हो इसके लिए ब्लेड की टेस्टिंग की जाती है। इस टेस्टिंग के लिए प्लेन के अंदर एक्सप्लोजिव वगैरह फोड़े जाते हैं, और ऐसा करने पर अगर प्लेन में लगे ब्लेड बाहर आ जाते हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, दोबारा से ब्लेड डिजाइन करने के लिए भेज दिया जाता है, और नई ब्लेड तैयार होने के बाद फिर से यही प्रक्रिया दोहराई जाती है जब तक कि वो टेस्टिंग में पास ना हो जाए। इन सब टेस्ट के बाद प्लेन में लाइटिंग टेस्ट भी किया जाता है, क्योंकि आकाश में खराब मौसम के दौरान बहुत ज्यादा बिजली कड़कती है, और इसी वजह से कभी कभी आकाशीय बिजली प्लेन पर भी गिर जाती है। बिजली का इंजन पर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि कभी कभी इंजन हवा में ही अचानक बंद हो जाता है, और शायद आपको सुनकर अजीब लगेगा लेकिन हर एक प्लेन के साथ पूरे साल में एक बार तो ऐसा जरूर होता ही है। प्लेन को ऐसी लाइटनिंग स्ट्राइक से बचाने के लिए प्लेन की मैन्युफैक्चरर प्लेन को कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से प्लेन के ऊपर से बिजली गिरती है तो उसका असर प्लेन पर बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसी वजह से टेक ऑफ के पहले प्लेन पर हाई वोल्टेज का करंट भी गिराया जाता है, ताकि पता लग सके कि प्लेन की डिजाइनिंग बिल्कुल सही ढंग से हुई है या नहीं। कार्बन फाइबर के अलावा प्लेन की डिजाइनिंग भी लाइटनिंग स्ट्राइक्स ए प्लेन को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। प्लेन को जब आप गौर से देखेंगे तो उसका आकार ऊपर से राउंड शेप में होता है, और इसी आकार की वजह से प्लेन के ऊपर से बिजली गिरती है, दो हिस्सों में बंटकर फैल जाती है, और प्लेन पर उसका कुछ भी असर नहीं होता है। प्लेन के सारे पार्ट की टेस्टिंग करने के बाद और सब कुछ सही पाया जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन प्लेन को पास करता और प्लेन सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान भरता। प्लेन की टेस्टिंग के बारे में जाने के बाद आइए प्लेन के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब प्लेन में सफर करते हैं तो उसमें जो आपको खाना सर्व किया जाता है उसका स्वाद आपको थोड़ा अजीब जरूर लगता होगा, इसलिए कुछ लोग सोच लेते हैं कि प्लेन में खराब क्वालिटी का खाना सर्व किया जाता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। दरअसल केबिन में इतनी ऊंचाई पर हवा के असामान्य दबाव के कारण हमारे टेस्ट बड्स काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए हमें भोजन बिल्कुल बेस्वाद लगने लगता है। दूसरी बात, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लेन में सारे पैसेंजर्स को ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है, और इमरजेंसी के समय सभी कोई मास्क पहनना होता है, जिसमें 12 से 15 मिनट के लिए आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी, और तब तक पायलट सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंचा देता है जहां पर सभी यात्रियों ऑक्सीजन मास्क के बिना नॉर्मल सांस ले सकते हैं, और तब वहां अतिरिक्त ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी भी केबिन में हवा का दबाव कम होने पर कोई पैसेंजर अगर ऑक्सीजन मास्क नहीं पहनता है तो उसे हाइपरक्सिया यानी दिमाग में ऑक्सीजन की कमी की समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से उस इंसान को ब्रेन हेमरेज हो सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए जैसे कि ऑक्सीजन की जरा भी कमी महसूस हो तो तुरंत ऑक्सीजन मास्क जरूर पहन लेना चाहिए। हालांकि हवाई जहाज की खिड़की में एक बहुत ही छोटा सा छेद होता है जो अपने साइज की वजह से किसी को भी नजर नहीं आता है। दरअसल छेद केबिन के अंदर के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ही होता है, क्योंकि ज्यादातर हवाई जहाज की खिड़कियों में एक्रिलिक की 3 सतहें होती है, और ये छेद बीच की सतह की सुरक्षा के लिए हवाई जहाज के दबाव को नियंत्रित करता है। दोस्तों, इसी तरह आप लोगों में से जिन लोगों ने हवाई जहाज का टॉयलेट यूज किया होगा तो उन्होंने देखा होगा कि कई प्लेन के टॉयलेट में फ्लश ना करने से संबंधित नोटिस लिखा होता है। उसका कारण ये है कि हवाई जहाज में वैक्यूम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जब भी आप टॉयलेट सीट पर बैठे बैठे ही उसका फ्लैश ऑन करते हैं तो वैक्यूम प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से आप टॉयलेट के अंदर कुछ समय के लिए बंद हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही जाए, लेकिन सावधानी की दृष्टि से खड़े होने के बाद ही फ्लैश करने को कहा जाता है। तो चलिए अब बताते हैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो शायद किसी को भी नहीं पता होगा। आपको बता दें कि प्लेन के दोनों पायलट को कभी भी सेम खाना नहीं दिया जाता है, और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि एक के खाने में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हुई तो कम से कम दूसरा पायलट जिसने वो खाना नहीं खाया है वह बीमार होने से बच जाएगा और प्लेन को संभाल ले। तो देखा आपने
कि किस तरह से एक हवाई जहाज को बनाने से लेकर उसे उड़ाने वाले पायलटों की प्रोसेस से संबंधित इतनी ज्यादा सावधानी बरती जाती है कि प्लेन में यात्रा करने वाले यात्री सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। कोई भी एयरलाइन ये नहीं चाहती है कि उनके द्वारा किसी भी यात्री या क्रू मेंबर्स को जरा भी नुकसान पहुंचे, क्योंकि इससे किसी मासूम की जान तो जाती है, साथ ही एयरलाइन की रेपुटेशन और गुडविल पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है वह अलग। तो दोस्तों, क्या आपने प्लेन में सफर करते समय उसके बारे में इतना सब कुछ सोचा था? और इतना समझाने के बाद तो आपको प्लेन में सफर करना और भी सुरक्षित महसूस हो रहा होगा। वैसे अगर आपके दिमाग में कभी कुछ ऐसे सवाल आए तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।